स्वागत है देवी और सजनों आज के स्पेशल व्लॉग में। हिंदुस्तान वो चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक शर्ट, ये है जी हमारे मनोज मौर्या जी, बोले तो हमारे डायरेक्टर साहब। बहुत ही जल्द राइडर्स के ऊपर बेस्ड एक मूवी आने वाली है, दी आइस केक, और उसकी जो स्टार कास्ट है वो बेसिकली क्या है, हमारे ही बीच में से कुछ राइडर्स जिन्होंने इस मूवी में काम किया है, और अपकमिंग बोले तो उनका तो डेब्यू मूवी हो गया ये। ये मेरे वाली खुराफात देख रहे हो ना आप ऐसे मास्क पहन के निकलना, और मैं तो बार बार कैमरे के आगे पीछे से घूमता रहूँगा। ये बात, ये देखो मेरा खास पोज, और इसी के साथ इस राइड को करा जा रहा है फ्लैग ऑफ। टन टन टन, चलो 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 चलो, ये आगे भाई हमारे नीरज भाई साहब, बोले तो इंडियन मार्शल स्क्वाड। ओ आत्मा आ ही जाती है कहीं भी, बस एक बार भीड़ दिखनी चाहिए थोड़ी बहुत तो मन कर ही जाता है कि भाई सबको तितर बितर कर दें। और ये है एम्बुलेंस सपोर्ट। अरे चाल तो देख जुलमी, क्या बात है। सो ये राइड निकलती हुई गुड़गांव एम्बियंस मॉल से, और ये जाएगी आपकी द वुड्स सेक्टर 46 गुड़गांव। टू वे फॉर्मेशन में ये राइड निकलती हुई, और बिल्कुल राइड के बिल्कुल पीछे चल रहे हैं हमारी एम्बुलेंस, और उसके साथ है हमारा गुलजार। गुलजार ने गुलजार की हुई है राइड सारी, और जैसे ही हम लोग एम्बुलेंस मॉल से लेफ्ट टर्न लेते हैं तो देन एक रेड लाइट टी पॉइंट से हमारे को राइट लेना है, और बस ऑलमोस्ट वी आर देयर एट द वुड्स। देख रहे हो राइडर्स हैं भाई साहब, बहुत सेंसिबल राइडर्स हैं। चलो हम भी चलते हैं पीछे पीछे। फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी कोई राइड नहीं थी। एम्बियंस से और द वुड्स रिजॉर्ट, ये तकरीबन कुछ 16 मेरे ख्याल 14-15 किलोमीटर की हार्डली राइड होगी। और बस मकसद क्या था, मकसद ये था कि 15 अगस्त के आसपास भाइयों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा हो जाए, और इससे अच्छी बात क्या होगी। एम्बुलेंस सपोर्ट हमें मिला है मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से गुड़गांव, एंड ये है एंट्रेंस द वुड्स की। फर्दर अंदर जाने के बाद जो शॉट्स हैं वो बाय चांस मिस हो गए हैं, बट ये देख इनको मेरा हेलमेट अच्छा लग रहा है। जीते जीता यहाँ मेरे हेलमेट की तारीफ कर रहा है, और ये यश एंड ये निशु किटारिया, बोले तो जीत का छोटा भाई, अपना छोटा भाई। और यहाँ पे सभी ने अपने बाइक कर दी है पार्क। इसके बाद लेट्स गो इनसाइड। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला बार नहीं किया है। 1947, 65, 71, 99, यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। आज माफी, आज खाली पीली टाइम नहीं खोटी करने का हमारा, आज आके नहीं अड़ना है, क्योंकि तिरंगा लगाया ना बाइक पे, तिरंगे की आन बान शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लहराता रहना चाहिए इसको, कोई रोकने वाला बीच में होना नहीं चाहिए। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा।